Hello friends, today let us understand the topic of 4-path, 8-path and M-path. Okay, so we will be understanding this by solving a numerical. Here we are given one adjacency set, that is 1. ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें दी होती है पहले वो पहले देख लेते हैं. हमें एक एडजेसेंसी सेट V दिया होगा, जो हमें यहाँ पे दिया है V इक्वल टू 1. ठीक है, इस सेट में दिस इज अ सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट है हमारे पास. ऐसे V कैन वेरी, राइट? V कैन बी हैविंग 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, इट कैन वेरी. सो हमें जो V दिया है उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1. उसके अलावा यहाँ पे हमें बाइनरी इमेज सेगमेंट दिया है. ये जो हमें मैट्रिक्स दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट बाइनरी इमेज सेगमेंट. इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 और 0. ओके, सो हमें एक बाइनरी इमेज सेगमेंट दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, और एक हमें एडजेसेंसी सेट दिया होगा. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? शो द शॉर्टेस्ट पाथ्स यूजिंग 4-path, 8-path एंड एम पाथ रिस्पेक्टिवली. तो हमें इसमें काम कैसे करना होगा? हमें 4-path, 8-path और एम पाथ अप्लाई करना है इस बाइनरी इमेज में. और लाइक 4-path, 8-path और एम पाथ हमें मल्टीपल मिल सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि हमें एक ही मिलेगा आंसर. अगर एक ही मिलता है तो वो हमें शॉर्टेस्ट मिल जाएगा. बट अगर मल्टीपल मिलता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? शॉर्टेस्ट. तो हम क्या करेंगे? जितने भी 4-path का रिजल्ट हमें मिलता है उसमें से शॉर्टेस्ट निकालेंगे, जितने भी 8-path के रिजल्ट मिलते हैं उनमें से अगेन शॉर्टेस्ट निकालेंगे, और जितने भी एम पाथ मिलते हैं उनमें से भी हम शॉर्टेस्ट निकालेंगे. ठीक है, तो अवर एम इज, ये जो हमें बाइनरी इमेज दिया है उसके ऊपर हमें 4-path, 8-path और एम पाथ अप्लाई करना है, और बेसिकली उनके जो रिजल्ट्स है उसमें से हमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वो फाइंड आउट करना है. और इसको एक्सटेंड करके नॉर्मली एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि तीनों में से शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, और ये तीनों में से कौन सी टेक्निक हमें ऑप्टिमम रिजल्ट देता है वो भी बताओ. ठीक है, तो वी विल बी फिगरिंग आउट, हम ये सम सॉल्व करते हैं और कौन सबसे अच्छा रिजल्ट देता है हम वो भी देखेंगे, राइट? ओके, तो अब अगर क्विकली ये समझ ले कि ये क्या है, ये हमारा बाइनरी, गिवन बाइनरी इमेज है. अब ये वी का फंडा क्या होता है? एडजेसेंसी सेट. इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए होते हैं ना, दीज एलिमेंट्स विल बी द सबसेट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बाइनरी इमेज. लाइक हमारा अभी जो बाइनरी इमेज है उसमें क्या क्या है? 1 और 0. अवर बाइनरी, द गिवन बाइनरी इमेज कंसिस्ट ऑफ 1 एंड 0. तो ये जो V है वो सेट के अंदर हमारे कौन से पॉसिबल एलिमेंट्स हैं? V, 0 और 1. तो 0 और 1 में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं. तो हमारे केस में क्या है? V में सिर्फ 1 है. तो अब ये V का यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 4-path, 8-path और M-path हम अप्लाई किस में करेंगे? ये गिवन इमेज में. बट अब ये अप्लाई करते हुए हम ये ध्यान रखेंगे, अब जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है हमें पाथ बनाना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस भी पाथ में जा रहे हैं, जो भी पाथ हम अप्लाई करेंगे, उस पाथ में सिर्फ हमारा ये एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, लाइक हमारे ये इमेज में क्या है? 0 और 1 दोनों चीजें हैं, बट हम जो पाथ बनाएंगे वो पाथ में सिर्फ हम 1 के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि V में हमारा सिर्फ 1 है, राइट? तो वो पाथ में जाते हुए हम सिर्फ 1 को कंसीडर करेंगे, वी विल नॉट बी कंसीडरिंग 0s, राइट? अब कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व 4-path. सॉल्व करते करते साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब सबसे पहले अगर 4-path देखिए, ओके, कोई भी पाथ अगर हमें फाइंड आउट करना है, हमें करना तो ये बाइनरी इमेज पे है, तो पहले ये बाइनरी इमेज हम रीराइट कर लेते हैं. 4 0s 1 1 0 0 1 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
हैं, आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइटिंग, इसको हम थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं, दोनों के नीचे वन है, ठीक है। तो ये क्या दिया होता है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, बट पाथ किसके और किसके बीच निकालना है, तो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों जो हमें पिक्सल पॉइंट्स दिए हैं, ये हम कंसीडर कर सकते हैं दिस इज अवर सोर्स एंड दिस इज अवर डेस्टिनेशन। मतलब या फिर आपको ऐसे शेडेड दिया होगा, या फिर आपको ऐसे दिया होगा कि ये जो पिक्सल है ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इंडिकेशन में वेरी, बट जिस भी इंडिकेशन से दिया हो उसके अकॉर्डिंगली हमें कंसिडर कर लेना है, ठीक है। तो कि ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो हमने ये फोर पाथ के लिए जो बनाया उसमें भी हम ये इंडिकेट कर देंगे कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे फोर पाथ, एट पाथ और एम पाथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फोर पाथ के लिए।
तो फोर पाथ के लिए काम कैसे करेंगे, अब मैं क्विकली तीनों का डिफरेंस बता देती हूँ। फोर पाथ में क्या होगा, हम ट्रैवर्स करेंगे, मतलब हमारा तीनों का एम क्या है, हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच ट्रैवर्स करना है, ठीक है। बट फोर पाथ में हम क्या करेंगे, हम जो ट्रैवर्स करेंगे वो ट्रैवर्सल हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही होगा। यहाँ पे मैं क्विकली लिख देती हूँ, फोर पाथ में क्या होगा, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, सॉरी हाँ, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही ट्रैवर्स करेंगे। तो फोर पाथ में क्या होगा, वी विल ट्रैवर्स ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। फोर पाथ में विल ट्रैवर्स ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, आइदर ऐसे या फिर ऐसे, ये दो ही वे में हम कर सकते हैं। देन आ गया हमारा एट पाथ। एट पाथ में क्या होगा, वी कैन ट्रैवर्स हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एज वेल एज डायगनली, ठीक है। फोर पाथ में सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जा सकते हैं, एट पाथ में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डायगनली तीनों तरह जा सकते हैं। और द लास्ट वन इज एम पाथ। एम पाथ स्टैंड्स फॉर मिडिल पाथ, ठीक है। एम नॉर्मली एम स्टैंड्स फॉर मिडिल। तो ये एम पाथ कब काम आता है, एट पाथ में थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती है। एट पाथ में जैसे हम देख सकते हैं, एट पाथ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और डायगनली तीनों तरह जाता है। तो क्या होता है एट पाथ में कि वो बहुत सारे रिडंडेंट पाथ्स भी हमें देते हैं, वो हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट ये मतलब अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि एट पाथ में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो हमें रिडंडेंट पाथ्स भी देते हैं। तो इन ऑर्डर टू इरेडिकेट दोस रिडंडेंट पाथ्स, हम एम्पाथ केम इनटू द एग्जिस्टेंस। एम्पाथ में क्या होता है, रिडंडेंसी हट जाती है। तो एम्पाथ का रूल क्या होता है, जब तक पॉसिबल हो ना वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही जाएगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जाएगा। एंड इफ एंड ओनली इफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नॉट पॉसिबल, देन इट विल गो डायगनली। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, राइट। बहुत लोग इस डिफरेंस में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब एट पाथ और एम पाथ में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस, ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप याद रखिए। एट पाथ में क्या होगा, एट पाथ में कोई लाइक प्रायोरिटी थिंग नहीं होगी, ठीक है। एट पाथ में हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डायगनली कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी। दिस इज द मेन थिंग अबाउट एट पाथ। और एम पाथ उससे कैसे डिफरेंस है, एम पाथ में जब तक पॉसिबल हो, जब तक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पॉसिबल हो, हम कंपल्सरी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही जाएंगे। इफ एंड ओनली इफ ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम नहीं जा सकते, देन एंड ओनली देन वी विल चूज टू गो डायगनली, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है एट पाथ और एम पाथ में। बाकी फोर पाथ तो कम्प्लीटली डिफरेंट ही है, तो उसको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसमें हम आइदर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही जाएंगे, उसमें डायगनली का कोई सीन ही नहीं आता, राइट। अगर फोर पाथ है तो हम उसमें डायगनली जाएंगे ही नहीं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल जो है इट इज अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, इससे आपको ये एट पाथ और एम पाथ का भी जो डिफरेंस है, तीनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने फोर पाथ के लिए डायगनल, ये तीनों का आप ये मेन जो पॉइंट्स है वो याद रखना, ये तीनों मेन फंडा है ये तीनों का। अब फोर पाथ के लिए हमने अगेन ये डायगनल बना लिया है, हमारा जो इमेज बाइनरी इमेज दिया है उसको हमने रीराइट कर ही लिया था। अब देख लेते हैं फोर पाथ में कैसे काम होगा। फोर पाथ में हमने क्या पढ़ा, फोर पाथ में हम ओनली हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही जाएंगे, राइट। तो अब अगर इसमें देखे तो अगर मैं वर्टिकली जाना चाहती हूं, अगर ये दोनों पॉसिबल है तो मुझे दोनों केसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। तो अगर मैं इसमें वर्टिकली जाना चाहती हूँ, वर्टिकली मतलब कैसे, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली मतलब साइड बाय साइड। तो अगर मैं इसमें वर्टिकली जाना चाहूं ऊपर के साइड, तो ठीक है, मुझे क्या करना है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जाते जाना है। और मेरे को बस ये ध्यान रखना है कि ये वी मेरा जो दिया है ना, मेरा वो सेटिस्फाई हो कि मैं वन पे ही ट्रैवल्स कर रही हूं। इधर सेट में जितने एलिमेंट्स हो मेरे को ट्रैवल्सल उतने एलिमेंट्स पे ही करना है। तो अब ये वन है, अगर मैं वर्टिकली जाना चाहूं तो वर्टिकली, ठीक है, अगर मैं वर्टिकली जा रही हूं
तो यहाँ पे मैं वर्टिकली जा रही हूँ, तो मैंने ये चेक किया, ये मेरे वी के अंदर प्रेजेंट है, यस वन वन, तो यहाँ मैं जा सकती हूँ, राइट, यहाँ तो मैं आ गई। अब अगर यहाँ मैं आ गई तो इसके ऊपर मैं जा सकती हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि वी के अंदर ये जीरो प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे भी जीरो है जो वी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, अगर मैं वर्टिकली इस फोर पाथ में, मेरे पास दो चॉइस है, आइदर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, बट इधर मैं देखूं, अगर मैं ऊपर जा रही हूँ, वर्टिकली जा रही हूँ, तो यहाँ पे आके मैं स्टक हो जाऊंगी, राइट। यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ या यहाँ कहीं भी मैं जाने की जगह नहीं है मेरे पास, नाइदर हॉरिजॉन्टली नॉर वर्टिकली, तो काइंड ऑफ आई एम गेटिंग स्टक हेयर। तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करूंगी, राइट, आई विल नॉट चूज दिस वन एज द ऑप्शन, ठीक है। तो वर्टिकली वाला जो ऑप्शन है वो तो मेरा चला जाएगा इस केस में, तो बचा क्या हॉरिजॉन्टली, तो अब मैं यहां से हॉरिजॉन्टली आऊंगी, ठीक है, फाइन, यहां से मैं इधर आ गई। अब मैंने यहाँ पे चेक किया, अब मैं वर्टिकली जा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि जीरो है और मेरे वी के अंदर जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो यहां से मैं अगेन हॉरिजॉन्टली जाऊंगी, यहां से अगेन वर्टिकली वोंट बी पॉसिबल, सो अगेन वी विल गो हॉरिजॉन्टली, फ्रॉम हेयर नो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन इज देयर, तो आई विल गो वर्टिकली वर्टिकली वर्टिकली, क्योंकि ये सब में हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा है, तो इधर ये पाथ मेरा बनेगा, ठीक है। तो फोर पाथ है मेरा, पाथ कैसे बन रहा है, ये मेरा सोर्स था, मतलब मुझे यहां से स्टार्ट करना है, ये मेरा डेस्टिनेशन था, मतलब मेरा पाथ ऐसे जा रहा है, राइट। अब एक और चीज होती है, ये हमारा हो गया फोर ट्रावर्सल, और कोई ऑप्शंस अवेलेबल है? जैसे मैंने बोला कि ये तीनों में हो सकता है हमें मल्टीपल पाथ्स मिले, तो मल्टीपल पाथ्स के बाद हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देंगे, बट इस केस में कोई और फोर पाथ कोई और पॉसिबल है इस केस में है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया ये एक ही पाथ है जो पॉसिबल है, यहां अगर मैं जाती हूं तो मैं स्टक हो जाऊंगी, और ये सब में से मैं ऊपर तो जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर जीरो है, जीरो मेरे वी में प्रेजेंट नहीं है, और यहां से मैं हॉरिजॉन्टली जा नहीं सकती। तो ये वाला जो गिवन इमेज हमें दिया है, ये वाला, इसमें से फोर पाथ एक ही पॉसिबल है जो है दिस वे, ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये एक ही वे है, फोर्थ वे के थ्रू जिसमें मैं जा सकती हूं, राइट। अब मेरा अगर शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब मुझे यहां पे पाथ का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, तो अगर इसका लेंथ मैं फाइंड करती हूं तो मेरा क्या हो रहा है, लेंथ मतलब काइंड ऑफ लिंक्स हमें फाइंड करनी है, ये जो है ये हम नोड्स, आप नोड्स की तरह देखो इसको, और इसको एजेस या लिंक्स की तरह देखो, तो हमें बस लिंक्स काउंट करनी है। तो लेंथ क्या हो रही है मेरे इस पाथ की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। तो फोर पाथ में मुझे लेंथ मिल रहा है 7। अब हम एट पाथ और एम पाथ देखते हैं, फोर पाथ में एक ही पाथ पॉसिबल है एंड उसकी लेंथ हमें मिली 7। अब लेट्स सी एट पाथ, अब अगर एट पाथ देखे, वो मैट्रिक्स अगेन बना लेते हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। 1, 2, 3, 4, 0 हमारा गिवन इमेज हम बना लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, ट्रावर्सल समझने में इजी होगा, हम इसको एक लाइन छोड़ छोड़ के बनाते हैं। 1, 0, 0, 1, 1 ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन बना लेते हैं, ये मेरा सोर्स था, ये मेरा डेस्टिनेशन था। अब ये क्या है, एट पाथ, एट पाथ में हमने इस साइड, अगर आप एक बार रिविजन कर ले, एट पाथ में हमने क्या देखा था, दैट एट पाथ में हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और डायगोनली तीनों तरह जा सकते हैं, राइट। कोई इसमें कोई प्रायोरिटी काइंड ऑफ थिंग नहीं होगी, हम तीनों जगह जा सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली इसमें कंडीशन कोई भी नहीं है एट पाथ में, तो इसमें क्या होगा, वो हमें रिडंडेंट पाथ्स भी देगा, मतलब आप ये समझ सकते हो कि एट पाथ में, एस एट पाथ में कोई भी कंडीशन नहीं है, तो एट पाथ हमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पाथ्स देगा, ठीक है, आप इस तरह से भी इसको देख सकते हो। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, ओके, एट पाथ में हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डायगोनली आपको जहां पे भी जगह मिले, जहां पे भी जाने की पॉसिबिलिटी दिखे, यू कैन गो दैट वे, राइट। तो अगर इसमें हम देखें, ये हमारा सोर्स हो गया, तो यहां से देखिए हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास जगह है, वर्टिकली भी है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेट्स ट्राई टू गो वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली यहां पे हम गए, यहां के बाद यहां जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जीरो इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर वी,
अगेन यहाँ जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ। तो इससे क्या पता चला, ये हमारा क्या है, फोर पाथ में हमें जो रिजल्ट मिला था ना वही है। मतलब फोर पाथ का जो रिजल्ट होगा ना वो ऑटोमेटिकली एट पाथ का रिजल्ट होगा ही। ये चीज आप कंसिडर कर सकते हो कि फोर पाथ का जो रिजल्ट होगा, जो हमने इससे पहले फाइंड आउट किया था, वो एट पाथ का और एम पाथ का दोनों का रिजल्ट होगा ही। तो ये हमने फाइंड किया, ये पाथ नंबर वन हुआ। तो पाथ नंबर वन हम यहाँ पे एक ही फिगर में कर लेते हैं। पाथ नंबर वन का लेंथ, लेंथ भी सेम ही होगा जो हमें फोर पाथ में मिला था। स्टिल हम इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें भी हमें 7 मिला था। तो एक हमें लेंथ मिला पाथ वन जिसका लेंथ है 7। अब अगेन अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखे, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी है क्लियरली, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब अगर यहां से ऐसे ट्रावर्स करे 1, अब यहां जा सकते हैं नहीं क्योंकि 0 है, 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर वी, यहां पे भी 0 है, नहीं जा सकते, पर यहां पे जा सकते हैं। और इसमें तो कोई लिमिटेशन होती नहीं है, हम कोई भी साइड में जा सकते हैं। तो इधर से हम इधर जाते हैं, अब इधर से अगेन वर्टिकली जा सकते हैं, यस, हॉरिजॉन्टली नहीं जा सकते, डायगोनली भी नहीं जा सकते क्योंकि दोनों जीरोज है। यहां से अगेन इधर नहीं जा सकते, बट हाँ इधर जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ, इधर से हम देखिए ये दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, देखिए आप ध्यान से। इधर से क्या हुआ, इधर से मैं इधर वाला पाथ तो मैंने पहले ले ही लिया, अब मैं जब सेकेंड पाथ ले रही हूं, यहां से मैं इधर और इधर दो पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है नहीं है क्योंकि ये जीरो है और जीरो मेरे वी का पार्ट नहीं है, तो इधर मैं नहीं जा सकती, तो मैं सिर्फ इधर जा सकती हूँ। तो एक ही पॉसिबिलिटी हुई, यहाँ से अगेन, यहाँ से मैं ऊपर भी नहीं जा सकती और साइड में भी नहीं जा सकती, बट सिर्फ डायगनली ही जा सकती हूँ, तो अगेन ओनली वन पॉसिबिलिटी। यहाँ से अगर देखें तो हॉरिजॉन्टली पॉसिबल नहीं है, डायगनली भी पॉसिबल नहीं है, ओनली वर्टिकली पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैंने एक ही पॉसिबिलिटी है, मैंने एरो बना दिया। यहाँ से देखिए तो यहां पे हॉरिजॉन्टली पॉसिबल नहीं है, बट वर्टिकली और डायगोनली दोनों पॉसिबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड अभी एरो बना देते हैं, और अगर यहां पे आए तो यहां से तो डायरेक्टली ऐसे, और अगर यहां से यहां पे आए तो इसके बाद हॉरिजॉन्टली, फिर अगेन हॉरिजॉन्टली। तो सी यहाँ पे है ना, हम पाथ भी लिख देते हैं। जैसे पाथ वन हमारा क्या था, ये वाला हमारा पाथ वन था, तो हमने कैसे ट्रेवल्स किया, 1 1 1 1, सी 1 1 1 1, ये 4 1, उसके बाद 1 2 3 4, अगेन 4 1, यू आर गेटिंग, हम सिर्फ यहाँ पे पाथ लिख रहे हैं, ठीक है, 4 4 8। अब पाथ टू अगर मैं इसको ले लूं, यहां से पाथ टू क्या होगा, यहाँ पे हमने 3 पाथ ले लिए, पाथ टू मेरा क्या होगा, यहां से ऐसे जो जा रहा है वो, और सेकेंड वन इज यहां से स्ट्रेट जाके यहाँ पे जा रहा है वो। तो अगर पाथ टू का मैं लेंथ देखूं, लेंथ हम बाद में काउंट कर लेते हैं, होप्स देख लेते हैं, 1 1, पाथ टू और पाथ थ्री में कहाँ पे डिफरेंस है, यू गेटिंग इट, पार्ट टू और पार्ट थ्री में सिर्फ यहाँ पे ही डिफरेंस है, राइट, सिर्फ इस जगह। तो स्टार्टिंग तो मेरी दोनों की सेम ही है, तो पार्ट टू और पार्ट थ्री वो दोनों का स्टार्टिंग क्या है, 1 1 1 1, ठीक है, ये चारों तो मेरे सेम रहेंगे, 1 1 1 1, तो वो मैं दोनों में लिख दूंगी। अब हम कहाँ पे पहुंचे, 4 1, मतलब 1 1 1 1, वी आर एट दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है, हम ये वाले 1 पे पहुंचे 4 1 के बाद। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि दोनों अलग अलग पाथ जा रहे हैं, तो पाथ टू अगर मैं इसको ले लेती हूं तो ये 1 के बाद और क्या बचा, 1 1, दो ही 1 बचे, राइट, और अगर पाथ थ्री में इसको ले लेती हूं तो ये वाले 1 के बाद क्या बचा, 1 2 3, 3 1 बचे। तो अगर इसको मैं काउंट करूं, 1 2 3 4, लिंक को काउंट करें, 1 2 3 4 5, तो इसका लेंथ हो गया 5 और इसका लेंथ हो गया 6, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें 8 पाथ में 3 पाथ्स मिल रहे हैं, ठीक है, 8 पाथ में हमें 3 पाथ्स मिल रहे हैं विद द लेंथ 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, क्लियर विथ 8 पाथ। 8 पाथ में हमने क्या किया, हमारे पास हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगनली जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी हमने वो सारी ट्रावर्स कर ली, और ऑब्वियसली और कोई पॉसिबिलिटी बची ही नहीं, मतलब इसमें जितने भी बचती है ना उतने हम आगे बढ़ते, बट इसमें 3 पाथ्स हमें डिफरेंट पाथ्स मिले, क्योंकि सी
इधर से आपको दिख ही रहा है, इधर से दो ही पॉसिबिलिटी थी, या फिर ये हमारा सोर्स है मतलब हमें स्टार्ट यहाँ से ही करना होगा, इसके बाद या फिर हम हॉरिजॉन्टली जाए या फिर वर्टिकली। अगर डायगनली इधर भी वन होता तो हम इधर से भी ट्रैवर्स करते, तो हो सकता हमको पार्ट थ्री पार्ट फोर मतलब पार्ट फोर फाइव सिक्स मल्टीपल भी मिल सकते थे, बट फिलहाल हमें यहाँ पे जो जो पॉसिबिलिटीज है उसके हिसाब से हमें तीन पॉसिबिलिटीज मिली, मतलब तीन पाथ है और हमने अभी काउंट करके रख दिया है 5, 6 और 7, और इसके बेसिस पे हम फिलहाल ये लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट 8 पाथ, ठीक है, हमने 8 पाथ फाइंड किया, तो शॉर्टेस्ट 8 पाथ इक्वल टू 5 होप्स हमें जाना पड़ा। इधर हमने देखा था 4 पाथ में हमें एक ही मिला था, राइट, 4 पाथ में हमें एक ही मिला था जिसका लेंथ था 7, तो हम इसमें तो वही लिख सकते हैं, एक ही पाथ मिला मतलब मेरा शॉर्टेस्ट वही हो गया, तो 4 पाथ में मुझे क्या मिला, शॉर्टेस्ट लेंथ 7 मिला, और 8 पाथ में मुझे क्या मिला, शॉर्टेस्ट लेंथ 5 मिला, तीन मिले थे 5, 6, 7, तो इसमें से मुझे शॉर्टेस्ट मिला 5। अब सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट एम पाथ, एम पाथ, ठीक है, एम पाथ में पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये हमारा सोर्स हो गया और ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था एम पाथ और 8 पाथ में क्या डिफरेंस है, 8 पाथ में हमने देखा, 8 पाथ में हमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज मिली थी आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और डायगनली हमने सारी ट्रेवर्स कर ली। एम पाथ में हम क्या करेंगे, उसमें हमने क्या किया था, 8 पाथ में हमने कुछ भी नहीं देखा, कंडीशन प्रायोरिटी कुछ भी नहीं, सिंपली हमें जितनी भी पॉसिबिलिटी मिली हमने 1 by 1 सारी पॉसिबिलिटीज ट्रेवर्स कर ली। एम पाथ में हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रायोरिटी है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इज हैविंग मोर प्रायोरिटी देन डायगनली। अंडरस्टैंड दिस थिंग, एम पाथ और 8 पाथ में यही बेसिक डिफरेंस है। एम पाथ में हम क्या करेंगे, जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, मतलब जब तक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ट्रैवर्सल पॉसिबल है हम डायगनली ट्रैवर्स नहीं ही करेंगे। अगर ऐसा कोई केस है जहां पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पॉसिबल नहीं है, देन एंड ओनली देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल गो फॉर डायगनली, ठीक है। तो अब अगर हम स्टार्ट करें 1, तो इसमें क्या करेंगे, हर स्टेप में, उसमें क्या करते थे, हर स्टेप में मैं तीनों पॉसिबिलिटी चेक करती थी, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और डायगनली, बट इसमें मैं क्या करूंगी, दो ही पॉसिबिलिटी चेक करूंगी, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, और अगर ये दो पॉसिबिलिटी में मुझे नहीं मिल रहा तो ही मैं थर्ड पॉसिबिलिटी या डायगनली में जाऊंगी, ठीक है। तो अब सोर्स से अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले की दो पॉसिबिलिटी मेरे को सिर्फ चेक करनी है, इसमें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पॉसिबल है, यस। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली जाऊं तो यहां से अगेन सेम पाथ, क्योंकि ये चीज हमने देखी हुई है, राइट, हम ये वाला पाथ अप्लाई करेंगे और ये वाले पाथ से हम डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। जैसे मैंने बताया था ये तो हम पहली बार कर रहे हैं इसीलिए, बट नेक्स्ट टाइम से आप ये चीज आपको अगेन करने की जरूरत नहीं, आप ये समझ सकते हो कि ये वाला कौन सा पाथ है, 4 पाथ। तो अब आप याद ही रख लेना कि अगर 4 पाथ में आपको कोई पाथ मिला है तो वो पाथ बाय डिफॉल्ट आपको एम पाथ और 8 पाथ में ले ही लेना है, कि जो पाथ हमें 4 पाथ में मिला वो बाकी दोनों में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लिख लेते हैं, मतलब हर बार आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, राइट, ये पहली बार हम कर रहे हैं तो डिटेल में देख रहे हैं, बट इट इज वेरी क्विक टू सॉल्व, एक बार आपको फंडा पूरा समझ में आ जाए तो 2-3 मिनट्स आर मोर देन इनफ टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो पाथ 1 में हम क्या लिख सकते हैं, पाथ 1 हमारा कैसे बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वंस है, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 7, ठीक है, इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि हमने देखा ही था 4 पाथ में हमें लेंथ 7 मिला था। अब अगर पाथ 2 देखे,
पार्ट टू है या नहीं पहले वो देखते हैं। हाँ है, क्यों? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली तो गए, बट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों को हमें प्रायोरिटी देनी है, तो हम वर्टिकली भी जाएंगे। अब वर्टिकली गए, ठीक है, यहाँ से अब अगेन क्या होगा, हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही देखेंगे। अब हमने हॉरिजॉन्टली देखा, इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि जीरो हमारा वी का हिस्सा नहीं है। वर्टिकली इज इट प्रेजेंट? नहीं, बिकॉज इट इज अगेन जीरो। तो इस केस में, दिस केस इज डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस केस में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम डायगनल को देखेंगे और डायगनल वन है तो हम डायगनल के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे आके क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टली पॉसिबल है नहीं, वर्टिकली पॉसिबल है येस, तो हम वर्टिकली जाएंगे। यहां से अगेन हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हॉरिजॉन्टली पॉसिबल है नहीं, वर्टिकली पॉसिबल है येस। अब देखिए यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस समझ में आएगा। एट पाथ में हमने क्या किया था कि यहाँ से इस पाथ से ना हमने दोनों को चूज किया था, उसमें हम क्या करते थे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और डायगनली तीनों को चेक करते थे, और उसमें हमने क्या किया था, तीनों को चेक करने के बाद हॉरिजॉन्टली तो चलो पॉसिबल है ही नहीं, वर्टिकली और डायगनली दोनों को हमने कंसिडर किया था हमारे पाथ में। बट इसमें जैसे मैंने बोला, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में मुझे कोई स्कोप दिख रहा है, मैं आगे बढ़ पा रही हूं, तो मैं डायगनली को कंसिडर ही नहीं करूंगी। तो यहां पे जैसे क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली में मैं नहीं जा सकती, बट वर्टिकली में मैं जा सकती हूं, राइट? तो वर्टिकली में मुझे यहां पे पॉसिबिलिटी दिख गई, तो यहां पे डायगनली भी जाना वैसे एट पाथ के हिसाब से पॉसिबल है, बट एम पाथ में मैं डायगनली चेक ही नहीं करूंगी क्योंकि वर्टिकली पॉसिबल है। तो हम सिर्फ यही वाला पाथ ट्रैवर्स करेंगे, यहां से अगेन वर्टिकली तो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टली, तो वी विल गो दिस वे, ठीक है। इस केस में आपको मेन डिफरेंस समझ में आएगा एम पाथ और एट पाथ में। यहाँ पे अगर एट पाथ होता तो हमें और दो पाथ मिल जाते, एक ऐसे और एक यहां से ऐसे, बट इसमें मैं वर्टिकली लूंगी ही नहीं, डायगनली लूंगी ही नहीं, सिर्फ ये एक ही पाथ कंसिडर करूंगी। तो पाथ टू में मुझे क्या मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन वंस, मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 6। तो शॉर्टेस्ट एम पाथ अगर पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट एम पाथ इज 6। तो इससे एक चीज समझ में आई, शॉर्टेस्ट एम पाथ मुझे क्या मिला, 6, शॉर्टेस्ट फोर पाथ मुझे क्या मिला था, 7, और शॉर्टेस्ट एट पाथ मुझे क्या मिला था, तो 5। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एट पाथ गिव्स द शॉर्टेस्ट रिजल्ट। एडवांटेज और डिसएडवांटेज में मेन चीज आप ये याद रख सकते हैं कि एट पाथ में क्या होता है कि वो हर एक एंगल या हर एक जो पाथ है ना वो ट्रैवर्स करता है विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी प्रायोरिटीज। इसकी वजह से उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो हमें बहुत बार रिडंडेंट पाथ्स भी देता है, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एट पाथ। बट ऑन द अदर हैंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एट पाथ इज कि वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ, फोर पाथ, एट पाथ और एम पाथ तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमें एट पाथ देता है। एट पाथ ऑलवेज गारंटीज यू टू गिव द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, ये एक बेसिक थिंग है याद रखने जैसा। द मेन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एट पाथ इज इट गिव्स यू द गारंटी ऑफ गिविंग यू द शॉर्टेस्ट पाथ। बट ऑन द अदर हैंड जैसे नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, तो जैसे ये हमें ये एडवांटेज देता है तो डिसएडवांटेज इज क्योंकि वो हर पाथ ट्रेवल्स करता है तो वो रिडंडेंट पाथ्स भी देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर पाथ, एम पाथ एंड एट पाथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज, एंड इन केस आपको इस सम में या इस स्पेसिफिक टॉपिक में आप कुछ और कोई और न्यूमरिकल सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।